फिर साजिश की है, आज बादलों ने फिर साजिश की है, जहां मेरा घर था वही फिर बारिश की है। आज बादलों ने फिर साजिश की है, जहां मेरा घर था वही बारिश की है। अगर उनको आदत है बिजलियां गिराने की, अगर उनको आदत है बिजलियां गिराने की, तो हमारी भी जिद है फलक पर आसिया बनाने की, तो हमारी भी जिद है फलक पर आसिया बनाने की। तो इसी शायरी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आज के जो क्वेश्चन रहेंगे वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन रहेंगे, और ये वो क्वेश्चन रहेंगे जो आप लोगों ने सुने तो है लेकिन पता नहीं है। देखो बच्चों, अब अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो भाग नौ है, भाग नौ जो है वो क्या बताता है, भाग नौ जो होता है वो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताता है। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में क्या बताता है बच्चों, भाग नौ। जरूर आपको ये तो पता होगा कि पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है, लेकिन ये नहीं पता था कि इसका वर्णन किस भाग में है, तो भाग नौ। उसके बाद 1957 में एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो ये जो बलवंत राय मेहता समिति है, अगर पेपर में पूछ लिया जाए किससे संबंधित है, तो आपका आंसर क्या होगा, पंचायती राज व्यवस्था से। और इसने किस चीज की सिफारिश की थी, तो इसने त्रिसत्रीय व्यवस्था की सिफारिश की थी, इसने त्रिसत्रीय व्यवस्था की सिफारिश की थी। ओके, उसके बाद इसके तुरंत बाद एक समिति और बनाई गई जिसका नाम था 1977 में अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। इसने जो सिफारिश की थी बच्चों, इसने द्विसत्रीय व्यवस्था की सिफारिश की थी, इसने द्विसत्रीय व्यवस्था की सिफारिश की थी। किसने बच्चों, अशोक राय, अशोक मेहता समिति। उसके बाद 1985 में भी एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था बच्चों जीवी के राव समिति। ये जीवी के राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति, ये तीनों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। उसके तुरंत बाद 1985 के तुरंत बाद 1986 में फिर एक समिति बनाई गई जिसका नाम था एल एम सिंघवी समिति। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ये बात किस समिति की सिफारिशों पर आई थी, तो इसका आंसर है बच्चों 1986 एल एम सिंघवी समिति। उसके तुरंत बाद 1988, सही 2 साल के बाद 1988 में एक समिति और बनाई गई जिसका नाम था थुंगन समिति, जिसका नाम क्या था बच्चों, थुंगन समिति। इस थुंगन समिति ने क्या कहा, इसने एक तो ये बात को माना कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, एक पॉइंट तो यही बोला गया कि इस पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, और दूसरी बात इसने क्या कही कि बच्चों पंचायती राज को त्रिसत्रीय बनाया जाए, पंचायती राज को क्या बनाया जाए, त्रिसत्रीय बनाया जाए। इसकी जो सिफारिशें थी, इन्हीं सिफारिशों के तहत एक संशोधन किया गया जिसका नाम था 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन बच्चों 1992। और इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और पंचायती राज में कितने विषय हैं, अगर पूछा जाए तो पंचायत में कितने विषय होते हैं बच्चों, 11 विषय होते हैं। पंचायत व्यवस्था में कितने विषय होते हैं, 11, जैसे मत्स्य से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड, पशुपालन से रिलेटेड, इस तरीके के विषय कितने होते हैं, 29। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं बच्चों कि पंचायत की शक्तियों में वृद्धि करने का अधिकार या शक्तियों को कम करने का अधिकार किसके पास होता है, तो वो होता बच्चों उस राज्य की विधानमंडल के पास,
उस राज्य की विधानमंडल के पास यह अधिकार होता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो इसका आंसर रहेगा आपके पास 1/3 सीटें जो होती है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। पंचायती राज के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है? 11वीं जो अनुसूची है बच्चों वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची है। ये कुछ क्वेश्चन मैं क्वेश्चन ट्रेडिशनल में इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा आप लोगों को, जो क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और ट्रेडिशनल क्वेश्चन का मतलब बच्चों ये है कि क्वेश्चन को कहीं से भी पुट किया जा सकता है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं। उसी प्रकार बच्चों एक क्वेश्चन और आता है कि ये मिसल क्या होता है, मिसल शब्द क्या होता है। एक क्वेश्चन और आता है बच्चों कि ये चोथ शब्द क्या होता है, चोथ शब्द क्या होता है। एक क्वेश्चन और आता है बच्चों ये क्या होता है कि जागीरदारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, और चौथा है जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था और जागीरदारी व्यवस्था, इन दोनों में क्या अंतर है? तो बच्चों हम बात करते हैं सबसे पहले मिसल के बारे में बात करते हैं। मिसल के बारे में मैं बात करूं तो लगभग 1748 से लेकर 1765 के बीच में सिखों के संघ राज्य क्षेत्र जो होते थे, संघ राज्य क्षेत्र मतलब जिस समय जिस तरीके से आज के समय स्टेट्स होते हैं, उसी तरीके से जो पहले मिसल होते थे, और ये मिसल किसके होते थे, सिखों के संघ राज्य क्षेत्र होते थे, जैसे रामगढ़िया और जैसे अहलूवालिया, ये सारे के सारे क्या होते थे बच्चों, ये सिखों के संघ राज्य क्षेत्र होते थे। और ये मिसल किससे संबंधित है, तो ये सिखों से संबंधित है। और ये जो चौथ है ये किससे संबंधित है, तो ये बच्चों मराठों से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, मराठों से संबंधित है। अगर पूछ लिया जाए कि ये चौथ होता क्या था, तो इसका सीधा आंसर होता बच्चों जो चौथ था वो कुल राजस्व का भूमि राजस्व का 1/4 भाग जो होता था उसको हम चोथ कहते थे। मतलब ये चोथ एक प्रकार का टैक्स होता था। जिस राज्य को या जिस क्षेत्र को मराठे जीत लेते थे, जीतने के बाद उस राज्य को स्वतंत्र करने के लिए एक शर्त रखी जाती थी। अगर आप अपने कुल भू राजस्व का 1/4 भाग चौथ के रूप में अगर मराठों को देते हो तो हम आपके इस क्षेत्र को छोड़ देंगे। तो वो क्या था बच्चों, चौथ। उसके बाद ये जागीरदारी प्रथा और जमींदारी प्रथा क्या थी? जागीरदारी प्रथा जो थी वो मुस्लिम इलाके से रिलेटेड थी या मुस्लिम राजाओं से रिलेटेड थी। लगभग 13वीं शताब्दी के टाइम की बात है ये जागीरदारी प्रथा। और जो जमींदारी प्रथा थी वो बच्चों अंग्रेजों के समय और मुगलों के समय, अंग्रेजों के समय और मुगलों के समय जो प्रचलित व्यवस्था थी उसको जमींदारी व्यवस्था कहते थे। और मुस्लिम राज 13वीं शताब्दी के समय जो प्रसिद्ध थी वो जागीरदारी व्यवस्था कहलाती थी। मतलब क्या होता था, पहले ये एक भूमि थी, ये एक खेत होता था, ये एक भूमि होती थी। तो इस भूमि के ऊपर प्रशासन करने की या इस भूमि के ऊपर टैक्स वसूल करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, वो अधिकारी होता था जागीरदार। वो क्या होता था, जागीरदार। और इस व्यवस्था को क्या बोला गया, जागीरदारी व्यवस्था। और जो ये जमींदारी व्यवस्था थी ये क्या होती थी, इस भूमि में क्या होता था कि इस भूमि के ऊपर फसल जो बोते थे, जो व्यक्ति इसके ऊपर फसल बोते थे वो उसके मालिक नहीं होते थे, उसके मालिक कोई दूसरे व्यक्ति होते थे जिनकी नियुक्ति अंग्रेजों के द्वारा की जाती थी। और उन व्यक्तियों को जमींदार बोला जाता था, उनको क्या बोला जाता था,
जमींदार बोला जाता था, और इन जमींदारों का काम क्या होता था, इस भूमि के ऊपर से टैक्स वसूल करना किसका काम होता था, जमींदारों का काम होता था। और अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि जमींदारी व्यवस्था 1793 के टाइम पे एक स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था आई थी, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो थी वो एक प्रकार की जमींदारी व्यवस्था ही थी। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में होता क्या था, आपको मैं ये जब हिस्ट्री के बारे में डिटेल से बातें करेंगे तब बात इसके बारे में करेंगे। एक होती थी बच्चों स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 से रिलेटेड है। उसके बाद ये जो कुछ क्वेश्चन है, एक थी सरजामी व्यवस्था। सरजामी व्यवस्था, ये सरजामी क्या थी, सरजामी व्यवस्था क्या थी, तो ये भी बच्चों मराठों से संबंधित थी। मराठों का भू राजस्व क्षेत्र जो होता था, भू राजस्व क्षेत्र मतलब जिस क्षेत्र के ऊपर मराठों का अधिकार होता था, जहां से वो चौथ इकट्ठा करते थे, उस क्षेत्र को हम क्या कहते थे, सरजामी क्षेत्र। मतलब ये एक प्रकार का भू राजस्व क्षेत्र होता था जो मराठों से संबंधित था। तो बच्चों ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन की जो हम सीरीज है ये इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे, और इनको हम तरीके से भी समझाएंगे, शॉर्ट ट्रिक से भी करवाएंगे, और इसकी एक अलग सीरीज रहेगी आप लोगों के पास। जो साइंस की सीरीज चली हुई है वो एक अलग रहेगी, और इसकी सीरीज एक अलग रहेगी। और जो बच्चे स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जबरदस्त रहने वाले हैं। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।